हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नूर कलेक्शन बाय शाज। गाइस, जो आज का हमारा कलेक्शन है वो है ब्लॉक प्रिंट सूट्स पर। ये प्योर कॉटन के सूट्स हैं और इनका फैब्रिक थिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप लोग देख रहे हो, ये टू शेड का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने रेड के साथ इसमें ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है। नेक्स्ट कलर देख लेते हैं। इसमें हमने देखिए पीच कलर है, ये पीच के साथ हमने डार्क ब्लू का शेड दिया है। गाइस, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग लेते हो ना, तो एक टोन ये लाइट आएगा, आप उस लिहाज से ही ऑर्डर करिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं इसका फैब्रिक के बारे में आपको बता रही थी। इसका फैब्रिक थिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसपेरेंट हो, आपको लगे कि कैसा मैंने पहना है इतना हल्का, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए इसका नेक्स्ट। इसमें मैं आपको ये बता दूं, जो ये मैंने खोल के ऊपर टांगा है, ये दुपट्टा है इसका, ठीक है। और जो नीचे आपका राइट साइड में है वो है आपका टॉप, और जो लेफ्ट साइड है वो है आपकी बॉटम, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे सूट्स आ रहे हैं मैं आपको बताती चलूँगी कि किसका टॉप है किसका बॉटम है। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम किसका टॉप बनेगा और किसका बॉटम बनना है, दुपट्टा कौन सा है, क्योंकि थोड़ा मिलते जुलते शेड्स होते हैं। ये देखिए गाइस, जो ये आपको कॉटन दुपट्टे में मैं दिखा रही हूँ, सेम आपको शिफॉन दुपट्टे में मिल जाएगी। और शिफॉन दुपट्टा भी शिफॉन बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है। और आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो आप बताओ। इसमें आपको कोटा का भी दुपट्टा मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहो तो कोटा भी आपको मिल जाएगा। इसमें तीन आते हैं फैब्रिक, कोटा का, कॉटन का एंड शिफॉन का, ब्लॉक प्रिंट में जो मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी और फैब्रिक में देखना हो तो फिर बस वही है, आप मुझे मैसेज करें, मेल करें, या मैं आपको दिखाती हूँ, बनाती हूँ वीडियो। कल मैंने आपने देखी होगी, कल मैंने अपलोड की थी कफ्तान की, आप लोग देखना, तो उसमें मैंने ब्लॉक प्रिंट चिबोरी सारे डाले थे उसमें प्रिंट्स। तो सब लोग बोले थे कि भाई सूट्स में भी दिखाइए मैम, तो इसलिए मैंने आज सूट्स में आपको दिखाए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, आंखों को ठंडक देने वाला ये कलर है। और अगर ये गर्मियों में आप लोग पहनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। गाइज जल्दी जल्दी ले लीजिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वैसे भी गर्मियाँ जा ही रही हैं, थोड़े दिन की गर्मियाँ बची हैं, फिर जैसे जैसे आगे बरसात है फिर और अच्छा मौसम होता रहेगा, फिर मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे विंटर के कलेक्शन लेके आऊँगी। तो फ़िलहाल तो यही इन है और गर्मी का मौसम है, तो उस लिहाज से सारे शेड्स मैं लेकर आई हूँ। देखिए पर्पल के साथ इसमें लाइट ग्रीन कलर के साथ कॉम्बिनेशन दिया है, कितना कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद देखें। आपको जो कलर अच्छा लगे गाइज आप मुझे बताएं, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं वो आपको दे दूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको मना कर दूंगी या वेट करने को, क्योंकि जो भी कलेक्शन है गाइज वो आता जाता रहता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप लोग मैसेज करते हैं उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा लेट करोगे कि हो सकता है कोई मेरी वीडियो एक महीने बाद देखे, 15 दिन के बाद देखे, तो ये चीज़ अवेलेबल ना हो। लेकिन हाँ, ब्लॉक प्रिंट के सूट्स आपको मिल जाएंगे, सेम नहीं मिलेंगे बट इसके मिलते जुलते आपको सूट्स मिल जाएंगे। तो गाइज यही कहना रहता है मेरा कि आप जल्दी से जल्दी बुक करें सूट को, और अगर आप मुरादाबाद से हैं तो आपको शिपिंग फ्री तो मिलती है, साथ साथ आपको COD भी मिल जाती है। अगर आप मुरादाबाद से नहीं हैं तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको, और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी जैसा भी है। और हाँ गाइज, जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको स्टिचिंग करवाना है तो आप मुझे जल्दी बताइएगा, क्योंकि स्टिचिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, और उसके बाद हमें पार्सल पैक करना होता है, और पार्सल के लिए आप कम से कम 8 से 10 सूट तो कर ही लीजिए। अगर आप इससे कम सूट करेंगे तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर कम लगेंगे, ठीक है।
मतलब जितना कम होगा वेट उतने ज़्यादा चार्जेस, और जितना ज़्यादा वेट उतने कम चार्जेस। तो आप लोगों से यही कहूँगी मैं कि इसको मैं स्टिच भी करवा दूँगी। इंडिया में कोई है अगर वो चाहता है कि वो स्टिच करवा के लेना चाहता है तो भी नो प्रॉब्लम, हम स्टिच करवा के दे देंगे। आपको अपनी मेज़रमेंट भेजना होगी और हम उसके अकॉर्डिंग स्टिच करवा के आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पर। तो आप लोग देख लें गाइस, आपको फैब्रिक में लेना है, मटेरियल लेना है, या फिर स्टिच करवा के लेना है, जैसा भी है। और गाइस मेरा गरारों का कलेक्शन भी है, आप लोग ने देखा ही होगा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें जाके मेरा गरारों का कलेक्शन, मेरे अकाउंट पे क्लिक करें, सारी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाती हूँ, बट मोस्टली मैंने गरारों पे बना रखी है क्योंकि गरारों की बहुत डिमांड आती है। तो बस आप लोग देखें, अगर आप लोग को चाहिए है तो गरारा भी स्टिच मिल जाएगा, लहंगा चाहते हैं शादी के पर्पस से तो लहंगा भी मिल जाएगा। और देखिए कलर कितने खूबसूरत हैं, ये आ रहे हैं। आप बोलेंगे कि तुम कहाँ का बोलती हो और कहाँ का दिखा रही हो, क्या बोल रही हो। मैं गाइस बस आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप लोग ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे भी देख लो एक बार, सिर्फ इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है गाइस, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है मेरे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ब्लॉक प्रिंट के सूट्स में भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी, और देखते हैं अब नया कलेक्शन मैं क्या लाऊं गाइस, अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग हेल्प करें, अगर आप लोग मैसेज करें तो मैं उस टॉपिक पे बना लूँगी। देखिए अभी तक आपने लाइट शेड्स देखे, चलिए अब ये डार्क शेड्स देख लेते हैं। ये मजेंटा कलर है इसका दुपट्टे का बॉटम का, और जो इसका टॉप आएगा, टॉप इसका येलो कलर का आएगा, मस्टर्ड कलर का। ओके तो गाइस कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि टॉप किसका बनना है और बॉटम किसका बनना है। फिलहाल जो भी आप बनाओ अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो जैसा टॉप का बॉटम भी बना सकते हो, बॉटम का टॉप भी बना सकते हो, क्योंकि फैब्रिक दोनों में बहुत अच्छा है, बहुत थिक फैब्रिक है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आर पार दिखे पहनने के बाद। तो आपकी मर्ज़ी है आप किसका टॉप बनाते हो, किसका बॉटम बनाते हो, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। गाइस देखिए एक आर शेड मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए ये लाइट में, ये एक्चुअली वाइट कलर बहुत डिमांड है, वाइट कलर की लोग जब लाइट शेड पे आते हैं ना तो वाइट कलर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, वो वाइट कलर ही होता है। तो वाइट कलर बिना दिखाए तो लाइट शेड कंप्लीट ही नहीं होता है, और एकदम वाइट लेकर आऊँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हल्का सा ब्लॉक प्रिंट इस पे ग्रीन का दिया है, थोड़ा रेड का भी दिया है, तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है ये सूट। और ये देखिए एक और इसका वाइट में कलर है, इस पे भी मेहंदी कलर का डिज़ाइन है, ऑलिव कलर का, ठीक है, ब्लॉक प्रिंट है ऑलिव कलर का इस पे, और ब्लैक सॉरी इस पे येलो बॉर्डर है और ऑलिव कलर का बॉर्डर है साथ में, तो कॉम्बिनेशन मिलके बहुत अच्छा लग रहा है दोनों का। देखिए गाइस, और अब मैं आपको थोड़ा पिंक शेड में दिखा देती हूँ। देखिए वाइट के साथ ये पिंक में है, उसमें आपने छोटे फ्लावर देखे होंगे, छोटा ब्लॉक प्रिंट देखा होगा, इसमें आप बड़ा ब्लॉक प्रिंट देखिए। एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, ये हैंड ब्लॉक प्रिंट होते हैं, ठीक है, हैंड से बनाए जाते हैं, कोई मशीन से नहीं बनाए जाते हैं। तो कभी कभी कहीं कहीं पे जब हम हैंड ब्लॉक करते हैं ना तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ मिसप्रिंट हो जाती है, क्योंकि हम हैंड से इतना परफेक्टली नहीं कर सकते। तो अगर कभी कुछ ऐसा हो तो ये मत सोचिएगा कि ये मिसप्रिंट है या कुछ है, ठीक है, आप हैंड पेंट से ले रहे हो। अगर आप मशीन से लोगे तो वो चीज़ अलग आएगी परफेक्शन के साथ, बट आप हैंड वर्क करवा रहे हो, हैंड ब्लॉक करवा रहे हो, तो कभी कभी थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो, जैसे नीचे बॉर्डर में है, एक थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, तो हैंड ब्लॉक में थोड़ा सा ये रहता है। ठीक है गाइज,
फिनिश हो गई हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।